नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2024 का प्री 22 दिसंबर को होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज की वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एज अ गिफ्ट देने जा रहा हूँ। ये गिफ्ट मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए है और यकीन मानिएगा, ये एक ऐसा गिफ्ट है जिससे आपकी प्रिपरेशन कई मल्टीपल टाइम्स जो है वो बेहतर हो जाएगी। मैंने एक पीडीएफ तैयार की है, वो पीडीएफ मैं आपको दूंगा। ये पीडीएफ आप देख रहे हैं, ये पीडीएफ मैंने तैयार की जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यूपी पीसीएस प्री में जिनकी आने की संभावना है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कलेक्शन किए हैं और वो मैं आपको एज अ गिफ्ट मैं आपको दूंगा। जिसको भी ये चाहिए, जिसको भी चाहिए, आप लोग वैसे कोई भी व्यक्ति जो है वो 9919521555 पर, ये नंबर आप जो देख रहे हैं इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बोलिएगा सर मुझे पीडीएफ चाहिए और आपको ये तुरंत ही व्हाट्सएप पे दे दी जाएगी। सबको मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई पैसा नहीं लगेगा इसके अंदर, सबको मिल जाएगी इसके अंदर। अब ये पीडीएफ में है क्या? देखिए, मेरा हमेशा मानना ये रहा है, जिन्होंने भी मेरे पुराने वीडियोज देखे हैं, मेरा हमेशा मानना है कि देखिए, सिर्फ मेहनत करने से सिलेक्शन नहीं होता। ये आप दिमाग से निकाल दो कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप सक्सेस मिल जाएगी। स्मार्टली हमें चीजों को हैंडल करना होता है। देखिए, मेहनत कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि तो जो भी सिविल की तैयारी कर रहा है ये अंडरस्टूड लेवल पे बात है, मतलब अंडरस्टूड है कि वो पढ़ाई तो करता ही होगा। अगर वो पढ़ ही नहीं रहा है तो वो कैंडिडेट है ही नहीं, ठीक है, उसको तो हम कैंडिडेट मानेंगे ही नहीं। लेकिन जितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनमें भी कैसे लोग सिलेक्शन पा रहे हैं, इसको समझना जरूरी है। सिलेक्शन जो है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितनी बड़ी कोचिंग में ज्वाइन की है, वो इस बात पर डिपेंड भी नहीं करता कि आप कितने इंटेलिजेंट रहे हो, आपने हाई स्कूल में ग्रेजुएशन में क्या आपने परफॉर्मेंस रही है, ठीक है, या कितने घंटे पढ़ रहे हो, कितनी किताबें आपने खरीद ली हैं। इन सब से ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। फर्क ये पड़ता है कि आपने एग्जाम को कैसे अंडरस्टैंड किया है, समझा कैसे है। देखिए, हर एग्जाम या हर एक चीज में एक ना लूप होल होता है, हमें वो लूप होल को पकड़ना बहुत जरूरी है। और जो लोग ये लूप होल समझ जाते हैं तो उस वो लूप होल का फायदा उठा लेते हैं, अपनी स्ट्रेटजी उस लूप होल के अकॉर्डिंग बनाते हैं और सफलता मिल जाती है। कई बार मैंने ये बातें डिस्कस की क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव बहुत अच्छा रहा है यूपी पीसीएस में। मैंने लगातार दो दो बार इंटरव्यूज दिए, पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यूज दिए मैंने इसमें अंदर, कई सारे स्टूडेंट्स मेरे जो है ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुके हैं। तो ये जो क्राइटेरिया रहा है जो मैं आपको बताता हूँ वो बहुत ही फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, यानी कि मेरा खुद व्यक्तिगत एक्सपीरियंस रहता है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं कि किसी किताब में लिखा है मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं, मेरा एक्सपीरियंस जो रहता है वो बताता हूँ। दूसरा, मैं इस बात को मानता हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास समय की बहुत कमी है, जॉब कर रहे हो, खासकर मेरे ऑडियंस जो है, मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस ऐसी है जो कि 30 साल से ऊपर की ऑडियंस है, ज्यादातर हाउस वाइफ है, जॉब करते हैं, थोड़ा बिजी रहते हैं, समय की बहुत कमी रहती है। मेरा हमेशा ऐसा ये रहता है कि उनके लिए कुछ ऐसा बनाया जाए जो कम समय में वो अपने आप को प्रूफ कर सके, क्योंकि जो एक व्यक्ति 20-21 साल का है उसके पास समय ज्यादा होता है, एनर्जी आता है, सपोर्ट जाता है, बट जो व्यक्ति 30-35 क्रॉस कर जाते हैं उनके पास समय कम रहता है। तो उन्हें ऐसा क्या दिया जाए जिससे कि वो लोग अपने आप को प्रूफ कर सके और सफलता प्राप्त कर सके। इसीलिए मेरा हमेशा कोशिश रहती है कि कम से कम में क्या प्रोवाइड करेगी, कम मेहनत करके सिलेक्शन कैसे पाया जाए। ज्यादा करने में क्या, उठाओ कुछ तो चैनल ऐसे हैं जो 50-50 घंटे की वीडियोस बना रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ा कोई काबिलियत नहीं है। 50-100 घंटे के वीडियो बना देना, इतनी इतनी किताबें दे देना, ये कोई बहुत बड़ा टैलेंट नहीं है, कोई बहुत कोई स्ट्रेटजी नहीं है। आप किताब उठा के पूरा उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दो, उसको पढ़ाना शुरू कर दो, बोलो कि सब कुछ हमारे यहाँ से आ रहा है, ये कोई टैलेंट नहीं है। इसमें कुछ ये कोई ऐसा नहीं कि बहुत इनोवेटिव चीज़ है। इनोवेटिव ये है कि आप कम चीज़ों में कैसे प्रूफ कर रहे हो अपने आप को, ठीक है। पहली चीज़ अपने दिमाग से ये निकाल दीजिएगा कि ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन होता है, नहीं, स्मार्टली पढ़ने से सिलेक्शन होता है। हमें लूप होल समझना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा एडवांटेज उठाना पड़ेगा। खैर, अब मैं आपको किस बात पे लेकर आ रहा हूं, इतनी लंबी जो मैंने बात की हो, किस बात पे लेकर आ रहा हूं। देखिए, यूनिवर्सली एक कॉन्सेप्ट रहता है पैरेटो प्रिंसिपल रहता है। क्या है पैरेटो प्रिंसिपल, कई बार डिस्कस भी किया मैंने, वो सिंपल सा है, 80-20 का रेशियो होता है। पैरेटो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक थ्योरी दी कि पूरी दुनिया जो है वो 80-20 के रेशियो में चलती है, ठीक है। दुनिया का हर काम जो है 80-20 के रेशियो चलता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि 80% ऑफ योर टाइम, आप जितना आपका समय है वो 20% दोस्तों के साथ आप गुजारते हो, यानी कि अगर आपके मान लीजिए 10 दोस्त हैं तो 80% समय आप अपने किसी दो दोस्त के साथ गुजारते होंगे, दो या तीन दोस्तों के गुजारते होंगे, ठीक है।
या 80% आपका जो पैसा है वो 20% चीजों को खरीदने में लग जाता है। तो इस तरह से पैरेटो प्रिंसिपल बना हुआ है जो कि दिखाता है कि हमारा हम अपना जो चीजें स्पेंड कर रहे हैं वो एक साथ नहीं करते, एक जैसा नहीं करते, कुछ खास प्रायोरिटीज होती हैं हमारी, वहां पर हम स्पेंड करते हैं। अगर इसको पीसीएस के संदर्भ में समझने की कोशिश करें तो ये रहेगा कि पैरेटो प्रिंसिपल ऐसा है जो कहता है कि 80% ऑफ योर क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम योर 20% ऑफ योर सिलेबस, यानी 80% जो क्वेश्चंस हैं आपके होंगे पीसीएस के अंदर, यानी कि लगभग आपके 120-125 सवाल जो होंगे वो लगभग 20% सिलेबस से आएगा। अब यहाँ पर 80-20 का बिल्कुल एग्जैक्ट 80-20 नहीं होता, किसी किसी मैटर में वो 70-30 भी हो जाता है, किसी मैटर में वो 75-25 भी हो जाएगा। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ कि चलो 70-30 ले लेते हैं, ये ज्यादा सेफ रहेगा कि 70% सवाल आपके 30% सिलेबस से आएंगे, इसको मांग के चल लेते हैं, ये ज्यादा सेफ रहेगा। ठीक है, अब 30% सिलेबस कौन सा है? वो 30% सिलेबस जो कि एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है वो क्या है? तो याद कीजिए कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था ट्रेंडिंग टॉपिक नाम का, मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड करने वाले टॉपिक्स कौन से हैं, तो उसमें मैंने कुछ लिस्ट दी थी और लोगों ने उसको पीडीएफ जो है वो लिया भी था, और वो मैंने बताया था कि ये टॉपिक्स चूंकि बहुत हॉट फेवरेट है, ट्रेंड कर रहे हैं, इनकी संभावना बहुत ज्यादा है, और इसको आप 20% सिलेबस समझिएगा और वो टॉपिक्स आप कोशिश कीजिएगा। इन टॉपिक्स से रिपीट सवाल भी आ सकते हैं, डायरेक्ट रिपीट सवाल आ सकते हैं, या इस टॉपिक से रिलेटिव रिपीट आ सकते हैं। रिलेटिव रिपीट का मतलब होता है कि टॉपिक रिपीट कर जाए, क्वेश्चन भले रिपीट ना करे टॉपिक रिपीट कर जाए, तो हमें वो टॉपिक ठीक से कवर करना चाहिए। ठीक है, वो पुराने 2-3 महीने पुराने वीडियोस हैं, उसको आप देख सकते हैं इसके अंदर। आज मैं जो यहां डिस्कस कर रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो घटनाचक्र आप लेकर पढ़ते हो, ठीक है, अब आप सब लोग एग्जाम के अपने उस दौर में हो जहां पर आप घटनाचक्र पढ़ रहे होंगे। भाई घटनाचक्र मान लेते हैं 1990 से लेकर 2024 तक का जो है वो आपको 23 तक का, ठीक है, आपको वो एमसीक्यू दे रही है, अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है, लेकिन अभी क्या है इतना समय नहीं है कि आप इतनी इतनी चीजें पढ़ पाओ। अगर उसको छोटा कर दिया तो कितना अच्छा रहेगा, तो ये पीडीएफ जो है उसी चीज को छोटा करती है। इसके पीछे एक 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 थॉट है, क्या थॉट है समझते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई क्वेश्चन 1999 में आया है और कोई क्वेश्चन 2022 में आया है, मतलब दो क्वेश्चन आए हैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन 1999 में आया है और एक क्वेश्चन 2022 में आया है, किस क्वेश्चन के रिपीट होने की संभावना ज्यादा है, 1999 में आया हुआ सवाल की या 2022 में आए हुए सवाल की? आप बोलोगे सर 2022 की सवाल आने की संभावना ज्यादा है, 19 वाला थोड़ा ओल्ड हो गया है, आउटडेटेड हो चुका है, इसके आने की संभावना कम है। मैं नहीं तो नहीं बोलूंगा, कम है, लेकिन जो 2022 में आ रहा है उसकी संभावना ज्यादा है, और यही ट्रेंडिंग टॉपिक्स होता है, ट्रेंड कर जाते हैं, यही ट्रेंड करते हैं, यानी कि एग्जामिनर इन टॉपिक्स को टारगेट कर रहा है, टारगेट कर रहा है, यानी कि ये 20% पे ला रहा है, इस पे आ रहा है। ये जो मैं पीडीएफ आपको दे रहा हूं इसके अंदर 1999 से लेकर, नहीं सॉरी 1999 गलत बोल दिया, जो ये है ये सन 2019 से लेकर 2023 के आपको ना सिर्फ यूपी पीसीएस बल्कि यूपी से जुड़े हुए और भी एग्जाम्स होते हैं, छोटे बड़े जितने एग्जाम्स हैं सबका कलेक्शन है इसके अंदर, सबका कलेक्शन है। तो एक अच्छी खासी वो रेंज कवर कर रहा है जहां पे क्वेश्चन के रिपीट होने की संभावना या रिलेटिव रिपीट हो जाने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है, एटलीस्ट इतनी तो बन जाती है कि आपको 70-80 क्वेश्चन का तो आपको वो दे देंगे, सारे क्वेश्चन तो रिपीट नहीं करेंगे ना, सब क्वेश्चन तो रिपीट नहीं करेंगे, आपको सारे क्वेश्चन आपको राइट करने भी नहीं है, भाई आपको तो 70-80 क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपका तो भला हो जाएगा। इतना मैं आपसे गारंटी दे रहा हूं कि जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ आपको अच्छा खासा क्वेश्चन दे देगी अगर आप ठीक से कर लेते हो, और अगर आपने तैयारी अच्छी की है और अच्छी की हुई है, ठीक है, डिटेल में की हुई है, तो यकीन मानिएगा अगर रुकेगा नहीं, आपकी तैयारी और फोकस हो जाएगी, आप अपने सर्व चालोगे। तो जिन लोगों के पास समय कम है, कम समय है, जो जॉब कर रहे हैं, हाउस वाइफ है, समय कम है, आप घटना तक छोड़ दो, सिर्फ ये पीडीएफ को पढ़ लेना, सिर्फ ये पीडीएफ को पढ़ लेना, इस पीडीएफ के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सब कुछ मिल जाएगा। मैंने कलेक्शन कहते ना, कलेक्शन करके दे दिया, सारी मेहनत आपको बचा लिए पूरा करके मैंने आपको दे दिया, सब कुछ करके दिया, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को ठीक से करना। अगर आपके पास समय कम है, ज्यादा समय है तो आप और ज्यादा पढ़ सकते हो, या घटना तक पूरी पढ़ सकते हो या और बढ़ सकते हो, लेकिन जिनके पास समय कम है कम से कम एटलीस्ट इतना तो पढ़ के चले जाना, यकीन मानिए आप अच्छा करके आओगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं आपको कि ये जो पीडीएफ है सबको मिलेगी, सबको मिल जाएगी। आप लोग इस नंबर पे 9919521555 पे व्हाट्सएप कीजिए, वहां पर लिखिए सर मुझे पीडीएफ चाहिए, आपको यहां से ऑफिस से भेज दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं लगातार वीडियो बनाता रहूंगा, जो भी छोटे छोटे छोटी चीजें जो होती हैं जिससे कि थोड़ा थोड़ा मार्जिन आकर के आपको मिलेगा, 1% 2% का संभावना जिसे बढ़ती है, आप प्लीज उसको फॉलो जरूर कीजिएगा,
मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस रहता है, इसलिए बता रहा हूँ कि वो छोटी छोटी चीजें जो है जिसका फायदा उठाया जा सकता है और जिस जो कि बहुत बाद मतलब बाद में बहुत डिसाइसिव हो जाता है। क्योंकि देखिए सफल इंसान और असफल इंसान के ना ज्यादा फर्क होता नहीं है, बहुत छोटा सा मार्जिन होता है सफलता सफलता के बीच में। हमें उन चीज को पकड़ना पड़ना चाहिए कि हम सफलता वाली लाइन में आ जाए, असफल ना रह जाए। तो इस वीडियो में इतना ही था, मुझे कहता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। खत्म करने से पहले फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग कॉल कर लीजिएगा इस नंबर पे, व्हाट्सअप कर दीजिएगा और दूसरा वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।